सब्सक्राइब कीजिए प्रियंका दिनेश किचन यूट्यूब चैनल को और पास के घंटे को बजाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ रोज़ नई रेसिपी सीखने को मिले और ये बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी और क्विक फास्ट बनाने वाली रेसिपी लेके आए हैं। ये एक तरह की ड्रिंक है और बहुत ही इजी और जल्दी बन जाती है। आपके घर पे कभी भी गेस्ट आए, आप क्विक ये फास्ट जो है वो ये रेसिपी जो है ये ड्रिंक बना सकते हैं। चलिए हमें देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पर एक बाउल ठंडा दूध लिया है, ये बहुत ही चिल्ड दूध है, और 1 से 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, क्रस्ट आइस, 1 से 2 स्कूप आइसक्रीम। यहाँ पे मेरी आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो गई है और इसलिए मैं ये आइसक्रीम डालूंगी, और बाद में बाकी जो है हम गार्निशिंग के लिए आइसक्रीम लेंगे। और मैंने यहाँ पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक ली है, आप कोई भी जो है वो कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी के जार में क्रस्ट आइस लेंगे 1 से 2 क्यूब। उसके बाद इसमें ये चिल्ड दूध 1 बाउल डालेंगे और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी लेंगे और 1 स्कूप, 1 बड़ा स्कूप जो है वो आइसक्रीम का डालेंगे। मैंने यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम ली है और इसे अच्छे से हम मिक्सी में चर्न कर लेंगे। चलिए ये हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब मैं इसे जो है वो सर्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो ये वनीला आइसक्रीम के साथ दूध को जो है वो मिक्सी में पीस रखा है, उसे हम सबसे पहले ग्लास में डालेंगे। हम इसे आधा ग्लास भरेंगे, बस इतना सा। उसके बाद हम इसमें ये आइसक्रीम डालेंगे, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप, और धीरे से ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो किनारे से इसको सर्व करके ऊपर तक भर देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी मिकी माउस ड्रिंक या फिर कोका कोला ड्रिंक।